जादू में सबसे जो खतरनाक जो जादू है वो सफली और शयातीन का जादू है, जिसको सफली शयातीनी जादू कहा जाता है। ये वो जादू है जो बजाते खुद शैतान की तरफ से किया जाता है, इसे सफली जादू कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक तरीन सूरत है, क्योंकि इसमें शैतान खुद दिलचस्पी से अमल कर रहे होते हैं और वो अमल करने में किसी के मोहताज नहीं होते। इसमें ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं इंसानी अज़ा की हड्डियाँ, इंसानों की हड्डियाँ, इंसानी अज़ा यानी दिल और दिमाग, खोपड़ी और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे जो है शयातीन और जो रूहें हैं। और अगर उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी किया जाता है कि वो जो मुर्दा है उसकी जो रूह है, जिसको हम ज़ाद बोलते हैं, उसका जो शैतान है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये अमल इंसान की हड्डी पे किया जाता है और इंसान के लिए किया जाता है, तो इसको सबसे ज़्यादा इंसान इससे इफ़ेक्ट होता है। बेशक ये अमल मोहब्बत के लिए किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, लेकिन ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो लाइफ टाइम रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरत है और इसको हम कहते हैं सिफरी और शैतानी जादू। दूसरा जो है वो जादू जिन्नाती और खबीस रूहों का जादू है। वो जादू जो इंसान जादूगर शैतानों और खबीस जिन्नाती रूहों से ख़ास कैफियत यानी उनको खुश करके उनसे मदद हासिल करते हैं, ये पहली जो सूरत है उससे कमज़ोर होता है, क्योंकि बसा औकात शयातीन मदद करते हैं और कभी मदद नहीं करते। लेकिन अगर इस जादू में बकरे की कुर्बानी जो अक्सर दी जाती है और बकरे की हड्डी और बकरे का दिल इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर कुर्बानी और ज़बीहा इस सूरत में कर दिया जाए तो ये जादू भी बहुत ख़तरनाक है और इसका असर भी 5 से 10 साल तक इसका असर रहता है। उसके बाद आ जाता है अदादो शुमार सितारों और सियारों से मदद लेने का जादू। वो जादू जिसमें जादूगर जो है उसमें हर्फ बहर्फ और इल्मे जुफर अदादो शुमार सितारों सियारों की गैर मरी हालत दिखाई ना देने वाली कुव्वतों से मदद हासिल तलब करते हैं। ये सबसे कमज़ोर सूरत है, क्योंकि इसमें अक्सर जादूगर इस मैदान में माहिर नहीं होते, टोटके इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट से इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर आल तक आजकल बोलते हैं। और आजकल वो लोग सही जिनको इल्म आता था वाकई ही सितारों का, वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। जो सही वक्त का, सही दर्जे का और सही वक्त का तौयन कर सकते थे वो अब मौजूद नहीं है। ठीक है, तीसरी किस्म का जो है जादू वो ये है कि जो सितारों और सियारों का ख्याल रखते हुए देखते हुए कि जो है सितारे और जो आपस में दो लोगों के सितारे हैं वो तसदीस या तसलीस में है, मोहब्बत का दर्जा रखते हैं या मुनकलब या मुकाबले पे हैं या तरबी पे हैं, यानी कि एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, तो ऐसी अशिया तैयार की जाती हैं जैसे तेल में, खाने पीने में, किसी मिठाई में, और इन पे ख़ास किस्म का शैतानी अमल किया जाता है जो कि बरहना सूरत में किया जाता है, और शयातीन से अमल तलब करके उस पे ऐसे दम किए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं जो अगर खाने वाले के हलक से नीचे उतर जाएं, अगर मोहब्बत के लिए किए जाएं तो वो मोहब्बत में पागल हो जाता है, और अगर ये अमल किए जाएं नफ़रत के लिए और जुदाई के लिए और हलाकत के लिए तो भी ये बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये खून में दाखिल हो जाते हैं और इनका असर भी इमीडिएटली शुरू हो जाता है। चौथी किस्म जो जादू की है वो है कि जादू बजरिया हवा व फिज़ा, यानी कि जिन्नात को पहली सूरत में हवा में जिन्नात को छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको कस्में दी जाती हैं और उनको भेंट भी दी जाती है। दूसरी सूरत में जिन्नात के ज़रिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयाँ पवस्त कराई जाती हैं। तीसरी सूरत में दरख्त वगैरह पर तावीज़ बांधकर मुखालिफ को अजियत दी जाती है, जिसमें जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं, जिसको उस ज़बीहा के खून से लिखा जाता है जो इन शयातीन के नाम पर ज़िबह किया जाता है, तो शयातीन उसमें दाखिल होकर फिर उस शख्स के पीछे लग जाते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई होती हैं उस पर वो अमल शुरू कर देते हैं। पाँचवा जो है अमल जो हांडी वार बोलते हैं,
इसमें जादूगर जो होते हैं वो हांडी के अंदर गोश्त डाला जाता है, इसको चूल्हे पर रख देते हैं और इस पर पढ़ाई की जाती है। फिर जिन्नात वो हांडी लेकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं। ये जो जादू है ये जानी माली नुकसान के लिए, किसी को हलाक करने के लिए, किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए अक्सर किया जाता है। और ये हांडी उड़ती हुई मतलूबा जगह पर जाती है और सिर्फ उसी शख्स को नजर आती है जब वो गिर रही होती है, लेकिन तब तक जो है वो नुकसान उसका हो चुका होता है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक किस्म है। अगली किस्म का जो जादू है इसके अंदर भेंट दी जाती है, एक रिश्वत के तौर पे दी जाती है और इसको ज़िबह किया जाता है शयातीन के नाम पे। इसमें काला बकरा, मुर्गा और या फिर ऐसे जानवर जो मुर्दार हों, सुअर, ऊंट, गाय या किसी भी मुर्दार जानवर की हड्डी पे जादू करके जिन्नात के जरिए उस शख्स के घर में इसको गिराई जाती है या इसको दफनाया जाता है। जिससे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि उस घर पे खून के छींटे भी पड़ते हैं और मुअत्तद और भी प्रॉब्लम उस घर में, किसी किस्म की भी कपड़ों का फटना, बालों का कटना, ये सब शुरू हो जाता है। इसके बाद जो सूरत है उसमें दिए जलाए जाते हैं, हरमल की धुनी दी जाती है, मतलूबा शख्स के बाल उसके कपड़े इस्तेमाल करके उसकी कोई वोडू डॉल बना के उसको धुनी दे के उसमें तवीज़ और सुइयां बवस्त करके उस तक जिन्नात को जो है वो पहुंचाया जाता है। इसको हम अक्सर जादू टूने का नाम देते हैं। इसमें दालों पे, अंडों पे, पानी पर, बकरे के सर, सुइयों और तावीज़ वगैरह पर जादू करके हवा के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए जो है मतलूबा घर के अंदर इसको गिराया जाता है। अब जो जादू है जो पानी पे किया जाता है इसकी भी तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जादूगर मछली के पेट को साफ करता है, इसके अंदर जादू अशिया को भरा जाता है और इसको नहर या दरिया में डाल दिया जाता है। दूसरी जो सूरत है उसमें हैज़ के खून आलूदा कपड़े, काले मसूर, हरमल और हड्डी वगैरह पर जादुई पढ़ाई करके दरिया, नहर और कुएं में डाल दिया जाता है। तीसरी सूरत किसी के दिमाग, कारोबार और शादी की बंदिश के लिए ताले पर लॉक लगाकर जादुई पढ़ाई की जाती है, फिर इसे दरिया, नहर और कुएं वगैरह में फेंक दिया जाता है। जब तक वो ताला खुलता नहीं है तब तक वो जादू बरकरार रहता है। और आखिरी जो किस्म है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, जिसमें खबीस जो रूहें हैं, ऐसे लोग जो के काफिर थे और जिनके शयातीन बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो जादू जो है वो उस शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाता है जो कि ये जो अब जो शयातीन होते हैं ये लाइन और मरदूद जो होते हैं ये इस किस्म के होते हैं जो कि बिल्कुल लाइन और मरदूद होते हैं। और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तब तक वो इस शख्स पर मुसल्लत रहते हैं, वो वापस नहीं आते। तो ये जो था कि सफली अमलियात क्या होते हैं, जादू की ख़तरनाक तरीन किस्में क्या हैं, वो मैंने आपको तमाम बता दी हैं। तो काइंडली आने वाली जो वीडियो है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।